डालिए डालिए डालिए। तो देखिए, हर बार तो हम लोग बाहर जो है स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स वगैरह का रिव्यू दिया करते थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग आए हैं एक पार्टी में आए हैं जो फंक्शन में होता गया कि कहीं नमक ज्यादा कहीं कुछ ज्यादा, लेकिन यहाँ बैलेंस्ड वे में है। देखिए, अब हम लोग यहाँ सलाद वगैरह ले रहे हैं कि यहाँ गर्मा गर्म पूरी। वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर, और एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रितेश शर्मा। और आज जो है ना पूरा अस्त व्यस्त आपको दिख रहा होगा बेड। तो अभी क्या है कि नीली जो है गई है, मतलब आज जो है वट सावित्री का पूजा है और वो गई है पूजा करने अपने मासी के घर, और इसलिए जो है आपका भाई अकेला है और पूरा अस्त व्यस्त है। तो सबको अभी अरेंज करना है, सारे बेड्स वगैरह को सब कुछ रूम में अरेंज करना है, और उसके बाद आज का ये वीडियो बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग आपको लेके चल रहे हैं फूड रिव्यू करने के लिए, और वो भी कहीं स्ट्रीट फूड या किसी रेस्टोरेंट्स में नहीं बल्कि एक पार्टी फंक्शन में। और शादी का खाना सब लोग खाते हैं, लेकिन उसका रिव्यू करेंगे और बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और फटाफट पहले रूम को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, फिर आपसे शाम को मिलते हैं सीधे पार्टी में। डालिए डालिए डालिए। तो देखिए, हर बार तो हम लोग बाहर जो है स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट्स वगैरह का रिव्यू दिया करते थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग आए हैं एक पार्टी में आए हैं जो फंक्शन है उसमें आपको दिखा रहे हैं। अभी गृह प्रवेश यहाँ पे है, हम लोगों को इनविटेशन मिला था, यहाँ पे आए हैं और यहाँ का फूड रिव्यू करते हैं। क्या जानू भाई? हाँ। तो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये कौन सा बॉल है? वेज बॉल। वेज बॉल है, ठीक है। वेज बॉल का पहले टेस्ट ले लेते हैं। इसमें और भी है, मिठाई भी है, पनीर पकौड़ा भी है, सब कुछ है। सही टेस्ट है, टेस्ट अच्छा है भाई, बहुत बेस्ट। पनीर पकौड़ा जो है उसको भी देख लेते हैं, बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका, ठीक है। मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। मिनी रसगुल्ला इसको बोलते हैं, स्टार्टर के तौर पे ये मिलता है। अभी फंक्शन में इससे स्टार्टिंग होती है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो खाना होगा वो कितना लाजवाब होगा। तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, क्या जानू भाई, फिर खाने पे टूट पड़ते हैं, देखते हैं उसका क्या टेस्ट है। सही है ना? यहाँ पूरा खाना का ये सजा हुआ है, सलाद कितनी खूबसूरती से यहाँ पे सजाया गया है ये आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पूरी है, खाना है, सब कुछ है। हम लोग पहले चलते हैं थोड़ा और स्टार्टर वाला जो चीज़ है वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ चाउमीन है और मंचूरियन है, तो हम लोग इसका अभी टेस्ट लेने वाले हैं कि कैसा है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, हमारे हाथ में ये चाउमीन आ चुका है और यहाँ पे मंचूरियन भी है। तो चाउमीन का सबसे पहले टेस्ट लेते हैं कैसा है। बहुत सारे पार्टी फंक्शन में होता गया कि कहीं नमक ज्यादा कहीं कुछ ज्यादा, लेकिन यहाँ बैलेंस्ड वे में है। चाउमीन बहुत ही अच्छा है, पतले पतले जो नूडल्स हैं ये चीज और इसको अच्छा बनाता है। अब है मंचूरियन की बारी। सब कुछ बैलेंस्ड वे में पूरा टेस्ट इसमें दिया गया है,
इसलिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए अब हम लोग यहाँ सलाद वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, चुकंदर खाना चाहिए भाई, चुकंदर तो एजिटीज है, जानो भाई खाइए, लाल हो जाएगा पूरा। प्याज नहीं खाएगा? प्याज खाएंगे। अच्छा प्याज खाएगा, हाँ टमाटर भी चलेगा फिर। देखिए बहुत अच्छे से जो है ना इसको रखा गया है, हाँ टमाटर वगैरह ये सब चीज बहुत सही से रखा गया है, ये भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। इधर देखिए यहाँ गर्मा गर्म पूरी, और ये तो थोड़ा सा लेंगे है, वेज पुलाव है ना, नवरत्न पुलाव है, नवरत्न वाला, बस लाइट लाइट ठीक है, हल्का हल्का बस, ये थोड़ा सा और, बस बस हो गया। ये कौन चीज़ का सब्जी? आलू कटहल। आलू कटहल लाइए, पनीर, ये क्या है, मटर मशरूम, ये थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा और दीजिएगा, थोड़ा बहुत मशरूम, पापड़, अचार, चटनी, अचार का थोड़ा सा बस रस, बढ़िया बढ़िया सर। हाँ लीजिए लीजिए, आइए इधर आइए, आप मेरे पर सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। देखिए पूरी से, पूरी और कटहल का सब्जी है, देखते हैं कैसा टेस्ट है। देखिए टेस्ट में कोई शिकायत नहीं है, कटहल वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको। कटहल में वेज को मीट बोलते हैं ना। देखिए वेजिटेरियन लोगों का जो ये है ना, ये मीट कहलाता है, मतलब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये चीज़ है, खूब मसाला इसमें डालते हैं तो एकदम लगेगा कि मीट ही खा रहे हैं आप। पनीर देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत सही टेस्ट है। और इधर जो है मटर मशरूम है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, जो है लास्टली जो हम लोग जो दाल चावल है ना उसका टेस्ट देख लेते हैं कि कैसा है इसमें। तो दाल है और नवरत्न जो पुलाव होता है वो है, इसका टेस्ट हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, तो आप जो है ना ये खाना जो है राहुल भाई का ये कैटरिंग सर्विस है, और उसमें इतना अच्छा खाना ये है, तो आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़े, कहीं फंक्शन कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी, गृह प्रवेश, शादी विवाह, कहीं भी, उसमें जो है राहुल भाई के कैटरिंग सर्विस बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग पहले इसको खा लेते हैं, ख़त्म करते हैं। तो देखिए यहाँ राहुल भाई हमारे साथ में है, और सारा का सारा अरेंजमेंट इन्हीं का है, और बहुत ही लाजवाब एकदम खाना है, एकदम मस्त है, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे आप। और इन्होंने एक सर्विस शुरू किया है, ये कैटरिंग का इनका सर्विस है, तो हमने सोचा भाई कि ये जो इतना बढ़िया खाना है तो जो ये अरेंजमेंट जिनका, उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो राहुल भाई क्या ये है, कैसे ये सब इतना बढ़िया बना रहे हैं, कुक कहाँ से लाए पकड़ के? ये तो मेरा 7-8 साल का है, मतलब पुराना एक्सपीरियंस है, और 7-8 साल से जान पहचान है कुक से, उन्हीं लोग से शुरू से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोग से काम करवा रहे हैं। और हम लोग का ये लाइन में भले ही अभी घुसे, मतलब एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, इसके लेकर कोई भी पार्टी हो तो पार्टी को, पार्टी जो एक्सेप्ट कर रहा है उससे A1 देने का मूड में हम लोग रहते हैं। देख ही रहे हैं ये काफी चीप एंड बेस्ट में किया गया, 100 आदमी का LED काउंटर से लेके सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है, तो मतलब एक, मतलब चीप एंड बेस्ट रेट में आप इतना बढ़िया चीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना जी।
तो देखिए राहुल भाई ये सब कुछ आपके लिए करते हैं, तो इनका जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो इनसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका क्या है कैटरिंग सर्विस का क्या नाम है? स्पेशल चीज कॉर्नर। स्पेशल चीज कॉर्नर नाम है। आप कहीं भी गूगल भी करते हैं ना तो उस पर भी आपको इनका मिल जाएगा, इजिली आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे है। और भाई हमारे चैनल के थ्रू अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ ये कॉन्सेशन जरूर करेंगे आपको, कहीं भी आप कुछ करवा रहे हैं ना फंक्शन, तो एक बार इनसे एक बार टच जरूर कर लीजिएगा। क्या है इनका प्लान, क्या कैसे ये पैकेज देते हैं समझ लीजिएगा, उसके बाद आपके ऊपर है कि कैसे इसको करना है, है ना राहुल भाई? रसगुल्ला ये तो आप वेनिला आइसक्रीम लगा दीजिए, ले लीजिए। चम्मच कहाँ है? चम्मच चलिए ये वाला एक दीजिएगा। गर्म है कि ठंडा है? एक बार हो गया। ये जो है गुलाब जामुन यहाँ पे है, उठा लीजिए। आइसक्रीम के साथ जो है गुलाब जामुन आपने कभी खाया है? बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट लगता है, और जब गर्म गुलाब जामुन हो और साथ में वनीला आइसक्रीम बहुत ही लाजवाब लगता है। खाने के बाद कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो ये मिठाई और आइसक्रीम बहुत ज़रूरी होता है, हर पार्टी की शान होता है ये आपका आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम खास कर, क्योंकि ये यूनिवर्सल आइसक्रीम होता है, इसको सब लोग पसंद करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपको यहाँ से कैटरिंग वाला सर्विस चाहिए, राहुल जी से कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, नंबर एड्रेस सब कुछ है। और बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और खाना वाकई में बहुत ही लाजवाब था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी अपने भाई को इजाज़त दीजिए।